इंस्टाग्राम शो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडीपी व्लॉग्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मीटियोर 350 जो कि रॉयल एनफील्ड आज ही के दिन लॉन्च करने वाली है। तो मैं यहां पर रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे पहुंच गया हूं। तो अभी जस्ट 5 मिनट के बाद ही बाइक का आपको लुक्स वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अगर टेस्ट राइड होगा तो मैं ज़रूर आपको टेस्ट राइड भी दिखाऊँगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं। Another color of the meteor. Yes. 50. Ready, Deepak. Gear in place. Ready, steady, go. Matte black color of the meteor 350. We have both the color, yellow and another part black. Deepak, yahan pe aa ja. Chalo bhai, camera wale pura Now they say. Okay, so we have another motorcycle with us, which we are going to unveil as well.
हमारा फायरबॉल मॉडल है, तो ये सबसे बेसिक मॉडल है। तो बेसिक मॉडल और जो हमारे और मॉडल्स है उसमें क्या चेंजेस है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे लोगो में चेंज मिलेगा, वो ये थोड़ा ऐसा 3D टाइप है, उसमें आपको थोड़ा अलग तरह का लोगो मिलेगा। और साथ में यहाँ पे जो एग्जॉस्ट सिस्टम है, तो इस गाड़ी में आपको ये ब्लैक कलर का मिलेगा। अगर आप अगर आप स्टेलियन और सुपरनोवा लेते हो तो उसमें आपको पूरा क्रोम का मिलेगा, तो वो भी मैं आपको बाद में दिखा देता हूँ। और सबसे बड़ा यहाँ पे आपको बैकरेस्ट नहीं मिलेगा, ये हमारा सबसे बेसिक मॉडल है, ये फायरबॉल मॉडल इसके नाम से जाना जाएगा रॉयल एनफील्ड में। तो काफ़ी अच्छा है, फिनिशिंग वगैरह काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ आगे से शुरुआत करते हुए, तो यहाँ पर आपको फ्रंट हेडलैम्प काफ़ी ज़्यादा है, तो फ्रंट हेडलैम्प यहाँ पे काफ़ी अच्छा देख सकते हो कि मिकमर में। चालू करके भी आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो कि यहाँ पे राउंड शेप में पूरा LED DRLs हमारा दिया हुआ है। तो हेलोजन बल्ब है, और यहाँ पे हेलोजन बल्ब है अंदर, और ये हमारा हैजार्ड लैम्प चारों के चारों आपका चालू रहेगा। तो यहाँ से ये आप ऑन ऑफ कर सकते हो। तो फ्रंट लुक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो सस्पेंशन वगैरह का ट्रैवलिंग भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ आगे आपको एक सस्पेंशन पे एक रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा, और साथ में ट्यूबलेस टायर है, तो 19 इंच के ट्यूबलेस टायर आपको कंपनी इसमें ऑफर कर रही है, और डिस्क ब्रेक के साथ में आपको इसमें ड्यूल चैनल ABS भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं फ्यूल टैंक की बात करूँ, तो आपको इसमें 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा है, बहुत छोटा नहीं बड़ा नहीं, एकदम मीडियम साइज़ का फ्यूल टैंक आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो फ्यूल लॉक का क्रोम फिनिशिंग पूरा काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से यहाँ से ओपन होगा, और कुछ इस तरह से फ्यूल टैंक हमारा ओपन होगा, काफ़ी अच्छा है, फ्यूल टैंक वगैरह काफ़ी अच्छा है अगर, और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है। और यहाँ पे मेन चीज़ हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ही ज़्यादा आई कैची देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे दो डायल देखने को मिलेंगे, ये हमारा सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पे क्रोम का गार्निशिंग भी देखने को मिलेगा। तो सेमी डिजिटल आपको इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑन करते हुए, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप यहीं से देख सकते हो, साथ में न्यूटन का इंडिकेशन, ABS इंडिकेशन, इंजन चेक लाइट नोटिफिकेशन, बैटरी का और फ्यूल का, इस तरह का कुछ नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप कौन से गियर में बाइक चल रही है वो देख सकते हो, फ्यूल ट्रिप और फ्यूल का इंडिकेशन कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे आप टाइम वगैरह देख सकते हो, और मेन हमारा यहाँ पे आप अपना नेविगेशन अपने फ़ोन से कनेक्ट करके आपको नेविगेशन यहाँ पे ही दिखाएगा, तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अभी बात करते हैं अगर हैंडल बार की, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड के हैंडल बार में आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, साथ में यहाँ पे पासिंग लाइट का स्विचेस देखने को मिलेगा, और यहाँ पे हॉर्न का स्विच, तो हॉर्न भी काफ़ी अच्छा लाउड है। और यहाँ पे आगे एक आपको स्विच दिख रहा होगा, उसको प्रेस करने से यहाँ पे आप अपना मोड्स वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हो, ट्रिप ए, ट्रिप बी और फ्यूल का, तो बहुत सारा। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका काफ़ी अच्छा है, और फिर से आ जाते हैं यहाँ, तो क्लच वगैरह काफ़ी अच्छा है, ग्रिप्स वगैरह यहाँ पे आप देख रहे हो वो भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को मिल रही। अगर राइट हैंड साइड में अगर बात करें, तो एक्सीलेटर वगैरह काफ़ी स्मूथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा हैजार्ड लाइट वो ऑन करने से ये ऑन हो जाएगा, साथ में ये हमारा इंजन किल स्विच का भी कुछ ऑप्शन आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा। तो इस तरह से आप इस तरफ प्रेस करोगे तो हमारा बाइक ये चालू हो गया है, तो काफ़ी अच्छा है, वाइब्रेशन वगैरह काफ़ी कम है अभी तो राइड करते हैं, बाद में आपको बताता हूँ कि क्या है। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी अच्छा है, हैंडल बार का क्वालिटी वगैरह बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे इंजन को देखते हुए, तो पूरा नया ही इंजन इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा, 350 cc का आपको इसमें सिंगल सिलेंडर।
350cc का आपको इसमें HCHO टाइप जे सीरीज का इंजन यहाँ पे देखने को मिलेगा, और साथ में मैक्सिमम पावर आपको इसमें 20.2 BHP का मिलेगा, और मैक्सिमम टॉर्क आपको इसमें 27 न्यूटन मीटर का मिलेगा। तो टॉर्क वगैरह काफ़ी अच्छा है, अगर टेस्ट राइड लेंगे तो आपको और भी ज़्यादा डिटेल में मैं आपको बताऊँगा। तो इंजन वगैरह काफ़ी स्मूथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है, पेंट्स वगैरह का जो भी क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे आपको गियर लीवर देखने को मिल रहा है, तो डबल टाइप गियर लीवर है। यहाँ पे फुट पैक वहाँ पर भी आपको रॉयल एनफील्ड का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा, और यह हमारा मेन स्टैंड पे गाड़ी है, और साथ में यहाँ पे साइड स्टैंड का भी ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ये पिलियन के लिए फुट रेस्ट, ये साड़ी गार्ड, तो बैक सस्पेंशन यहाँ पे आपको नॉर्मल ही मिलने वाले है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चेसिस वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, और साथ में यहाँ पे साइड में बैटरी कंपार्टमेंट में आपको मीटियोर 350cc का बाइक का ब्रांडिंग साथ में बेंचमार्क भी देखने को मिल रहा है। तो ये ग्लोसी फिनिशिंग वाला पूरा कलर है, तो काफ़ी अच्छा है। ये हमारा येल्लो कलर है, तो सीट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो कि कुशनिंग भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये पिलियन सीट्स भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्मूथ है, आप देख सकते हो कि कुशनिंग इसमें मेन होता है, तो कुशनिंग काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिला है। तो अभी इस साइड से अगर मैं बाइक की बात करूँ तो सेम आपको यहाँ के फिल्टर सेक्शन में भी मीटियोर का बेंचमार्क देखने को मिलेगा। ये हमारा ब्रेक ऑयल पीछे की ब्रेक के लिए, और यहाँ पे फुट रेस्ट और ब्रेक्स, पीछे का ब्रेक्स ये, तो आपको इसमें ड्यूल चैनल ABS देखने को मिलेंगे। तो ब्रेक्स वगैरह एफिशिएंसी क्या है, पावर पिकअप टॉर्क कैसा है, वो मैं आपको टेस्ट राइड करके बताऊंगा। तो यहाँ से सस्पेंशन को देखते हो तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे क्रोम का गार्निशिंग के साथ, और ये ब्लैक फिनिशिंग, तो फिनिशिंग क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये हमारा स्टेलर दूसरा वेरियंट है, तो इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि टैंक पर आपको जो रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है तो कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बाकी सारा सिस्टम तो ओके है, पिलियन सीट्स वगैरह भी वही सेम ही है, और एडिशनल आपको इसमें बैक रेस्ट मिलेगा। तो ये बैक रेस्ट बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का बैक रेस्ट देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड का बेंचमार्क भी देखने को मिलेगा। ओवरऑल क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे बैक से देखते हुए तो आपको यहाँ पे स्टॉप सिग्नल यहाँ पे देखने को मिलेगा, साथ में यहाँ पे दो टर्न इंडिकेशन यहाँ थोड़े नीचे शिफ्ट कर दिए गए हैं, और यहाँ पे अगर आप स्टेलर मॉडल लेते हो तो उसमें आपको ये क्रोम का देखने को मिलेगा, तो हमारा ये क्रोम का देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे एक ऑक्सीजन सेंसर भी है, तो इंजन वगैरह का क्वालिटी तो अभी काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं कि नहीं आते है, वो हमको आफ्टर मार्केट में जब भी ये रोड्स पर निकलेगी तभी पता चलेगा सर्विस क्या है। बाकी ओवरऑल क्वालिटी काफ़ी अच्छी इस बार देखने को मिल रही है रॉयल एनफील्ड में। हमारा स्टेलियन में एक और कलर जो स्टिल्थ ब्लैक कलर है वो है, तो उसमें भी आपको जो एग्जॉस्ट वगैरह है वो क्रोम के देखने को मिल रहे हैं, तो खाली बेसिक मॉडल में ही आपको ब्लैक कलर का एग्जॉस्ट सिस्टम देखने को मिलेगा, और पिलियन बैक रेस्ट भी आपको इसमें देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। तो प्राइसिंग मैं अभी आपको बता देता हूँ, तीनों मॉडल के प्राइसिंग मैं आपको बता देता हूँ। तो ये ऑन रोड प्राइसिंग अहमदाबाद से है, तो काफ़ी अच्छा लुक्स वगैरह, तो बहुत ही बड़ा कॉम्बो रॉयल एनफील्ड की तरफ से, रॉयल एनफील्ड लवर को काफ़ी अच्छा है। बाइक्स में सब कुछ दे दिया है इस बाइक में कंपनी ने, नया इंजन दे दिया है, नेविगेशन सिस्टम दे दिया है, ड्यूल चैनल ABS मिल गया है, काफ़ी रिफाइन इंजन है, पावर पिकअप, ब्रेक एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है, सिटिंग पोस्चर काफ़ी अच्छा है, और जो ये ब्रेक्स लीवर है, जो ये ब्रेक लीवर्स वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ये आप देख सकते हो कि बहुत ही स्मूथ है, और वाइब्रेशन जरा सा भी नहीं है बाइक में, तो क्लच वगैरह आप बहुत ही आराम से क्लच वगैरह ऑपरेट कर सकते हो, तो बहुत ही स्मूथ यहाँ पे, बहुत ही स्मूथ, सब कुछ स्मूथ हो गया है। तो ये पहले की तरह बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की तरफ से। तो परफेक्ट बाइक है ये, अगर आप नया बाइक लेना सोच रहे हो तो मेक श्योर आप यहाँ पे मीटियोर देखने आए और फिर देखिए। अगर आप अहमदाबाद से देखते हो
तो यहाँ नेहरू नगर अहमदाबाद रॉयल एनफील्ड साराभाई में आपको ये बाइक्स वगैरह का टेस्ट राइड भी मिल जाएगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स और कॉन्टेक्ट पर्सन का नंबर वगैरह भी दे दूँगा। तो ये फायरबॉल का एक और कलर है जो मैंने आपको बताया कि ये येल्लो कलर आपने अंदर देखा, दूसरा ये रेड कलर है, बाकी सब कुछ चीज़ यहाँ पे सेम देखने को मिलेगी। तो थोड़ा थोड़ा आपको इसमें थंडरबर्ड का टचअप ज़रूर देखने को मिलेगा क्योंकि वही प्लेटफॉर्म पे ये बाइक बन रही है, बाकी सब बढ़िया है। तो यहाँ पर मैं बाइक चालू करके आपको दिखाता हूँ।